सरकार हाय 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 शिवराज मामा हाय हाय हाय। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस मैदान में अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सरकार के पास कीमतें बढ़ने के हर तर्क मौजूद हैं, मगर उन्हें रोकने का एक भी उपाय नहीं। महंगाई ने आदमी तो क्या मध्यवर्ग के लोगों तक का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं बेरोजगारी के कारण युवाओं में नाराजगी है, मगर सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही। बाजार में सब्जियों, फलों, दूध और उत्पादों, दुग्ध उत्पाद, अंडे, मछली और मीट की कीमतें पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई। बाकी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 24 पैसे, वहीं डीजल 98 रुपये 89 पैसे तक पहुंच गया है। ये बात तो सही है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई से। अब पेट्रोल के दाम की आप बात करिए, पेट्रोल 109 रुपये प्रति लीटर हो गया है। अब इतना महंगा पेट्रोल डलवा के व्यक्ति कहाँ जाएगा। अब जैसे मैं यूथ हूँ तो अब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, ऑफिस के लिए जाना पड़ता है, तो बाइक में डलवाओ तो रोज़ अगर ना धंधा है ना कहीं नौकरी है, उसके ऊपर से पेट्रोल के साथ साथ घर का राशन का जितना सामान है वो भी बहुत महंगा हो गया है। पूरी तरीके से सामान्य नागरिक की पीठ और कमर टूट चुकी है। अब आगे देखना है कि अलग अलग वादे तो किए जाते हैं पूरे प्रदेश में और पूरे देश में वादे कर रहे हैं, ना जाने क्या होता है। भगवान ही इसकी देखे। और सब महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये तो पूरा श्रेय जाता है सरकार को। इसमें तो हम जैसे बेरोजगार बस मर रहे हैं और महंगाई पे महंगाई बढ़ाई सरकार बढ़ाती जा रही है। आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है। और लॉकडाउन में जो लोगों की स्थिति है वो आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। लोग भूखे, कुछ तो कोरोना के कारण मर रहे हैं और कुछ लोग भूख के कारण मर रहे हैं। महंगाई की मार के साथ बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों में खासा रोष व्याप्त है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी की जिम्मेदार भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी महिमा मंडल करती चली जा रही है, केंद्र की सरकार, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जब एक बयान जारी किया था कि 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां और 2 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उस समय पे नरेंद्र मोदी जी खिल्ली उड़ा रहे थे और उनको उस समय ट्रंप याद आ रहे थे। और जब कोविड हो रहा था, कोविड काल में भी उन्होंने खिल्ली उड़ाई। आज जब दूसरी लहर आई और तीसरी लहर आने को तैयार है, जनता परेशान है, जनता त्राहीमान कर रही है। आज दाल की कीमत 180 रुपये हो गई है, सरसों का तेल 200 रुपये पार कर चुका है, पेट्रोल और डीजल तो दुनिया जग जाहिर है। और जो गृहिणी जिनको सबसे ज़्यादा किचन के अंदर गैस की, रसोई गैस की ज़रूरत पड़ती है, वो आज 1000 क्रॉस कर चुकी है। तो आप जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कीमतें कितनी बढ़ा दी हैं और काला बाजारी क्या किस चरम पे पहुंच गई है, जग जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि महंगाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम सब जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसके कारण हम सबको देश की आर्थिक स्थिति, प्रदेश की स्थिति, ये सबसे हम परिचित हैं। इसलिए आप उम्मीद कीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, न केवल आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, जीडीपी में बहुत बेहतर सुधार आएगा, वरन महंगाई पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण होगा। पक्ष और विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर अपने अपने तर्क दे रहा है, लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम आदमी पस्त है। अब देखना होगा कि कब तक आदमी को इससे राहत मिलती है।